उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आज रतनगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। राठौर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2023 में कांग्रेस को राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के आए नतीजों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही थी, जिस पर राठौर ने यह बयान दिया है। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और ओम सरस्वत समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बालिका के विकास के लिए करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और 7.5 करोड़ तो सरकार यूआईटी की तरफ से मंजूर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे लाल भाई के मंदिर में ये योग भवन बनाया 36-40 का 2000 फुट ट्रीटोम कॉलोनी से बालिका गांव तक सेक्टर रोड चौड़ा करने का काम वार्ड नंबर 29 में ये हो गया और बालिका के अंदर की गलियां ड्रेन नालियां वगैरह है उनमें काफी काम हुआ है, काफी काम बाकी है, वो होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम ये दो कमरे बनाए हैं वो टेंडर दोबारा से हुए हैं, तो ये 7.5 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर आपके यहाँ होंगे। आज तक कभी किसी भी सरकार के द्वारा इतने बड़े काम नहीं कर... मेडिकल कॉलेज के अवार्ड समारोह में शिरकत करते नजर आए। मेडिकल कॉलेज के अवार्ड समारोह में आपको बता दें कि यहाँ पर शिरकत की करते हुए नजर आए मंत्री, जिसके बाद उन्होंने तमाम विकास कार्यों को लेकर के जानकारी साझा की अपने संबोधन में। राज्य सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सजग है, ऐसा भी वो कहते नजर आए। UDH मंत्री शांत धारीवाल के द्वारा संबोधित किया गया, जहां मेडिकल कॉलेज में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज में अवार्ड फंक्शन में शिरकत करते हुए मंत्री नजर आए। UDH मंत्री शांति धारीवाल का काफ़ी अहम ये दौरा था, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत भी वो करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें विकास कार्यों को लेकर के भी बात करते हुए नजर आए, जहाँ मेडिकल कॉलेज के अवार्ड फंक्शन समारोह में यहाँ पर किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ सड़कों को लेकर के व्यवस्था है, तमाम चीज़ों पर बात करते नजर आए।